सीजन 14 खत्म हो चुका है और अब सीजन 14 के खत्म होने के बाद में सलमान खान के क्या है प्लान्स जानना चाहते हैं तो चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। पर आपको बता दूं कि इस बिग बॉस सीजन 14 खत्म हो चुका है। जब सीजन को एक्सटेंड किया गया था तब भी काफी तकलीफें आ रही थी क्योंकि सलमान खान की डेट्स जो थी वो और जगह पर भी लॉक थी और ऐसे में राधे की शूटिंग को खत्म करना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि राधे की रिलीजिंग जो है वो करनी थी, जिसके पोस्टर आप देख चुके हैं जो कि बिग बॉस सीजन 14 के आपको वीकेंड के वार पर देखने को मिले जब दिशा पाटनी आई थी। अब दिशा पाटनी से मुझे याद आया कि भाई पठान फिल्म में भी सलमान खान का होने वाला है कैमियो, सॉरी पार्टी से पठान, इट्स वेरी सिमिलर, तो याद आ गया। खैर, मैं आपको इसी बारे में बताने भी वाली थी और इसी के लिए ही यही खबर है। और आपको बता दूं कि सीजन 14 के खत्म होने के बाद में, राधे फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद में, अब जो है सलमान खान जो है वो पठान फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण की ये फिल्म है, यशराज फिल्म है ये, और इस फिल्म की काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि सलमान खान की कैमियो के लिए काफी जबरदस्त तैयारी की गई है और सलमान खान का किरदार जो है वो उनकी फिल्म टाइगर के जैसा ही होने वाला है क्योंकि यशराज की ही फिल्म है टाइगर, तो कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, खूब एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। खैर, आपको बता दूं कि यहाँ पर सलमान के कैमियो के लिए काफी अच्छी तैयारी की गई है, सो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जब एक बार फिर से शाहरुख की किसी फिल्म में सलमान का कैमियो होगा। इससे पहले जीरो फिल्म में भी कर चुके हैं साल 2018 में। है, आप लोग हमें बताइए कि पठान फिल्म को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। खान साहब एक साथ नजर आने वाले हैं, यानी कि किंग खान और सलमान खान दोनों एक साथ नजर आएंगे, साथ में जॉन इब्राहिम भी है, तो तड़का बहुत अच्छा लगने वाला है। तो गाइज, इसको लेकर और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल आप लोग मुझे बताइए कि आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड है, मेरी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।